और यार बदतमीजी की भी ना कोई सीमा होती है, ये देख रहे हो आप। हमारी लिस्ट की जो पहली गाड़ी है वो आप सामने देख रहे हो हमारे, तो ये है फॉर्च्यूनर 2000 एंड फिलहाल फॉर्च्यूनर हमने एक और देख ली है, मतलब देखने में अच्छी लग रही है मुझे और टाइप 1 है। चलिए अभी सारा इसका डिटेल देखते हैं और फिर बताते हैं आपको। जो गाड़ी इस तरह से हो ना दिखने में, उस पर कॉन्फिडेंस भी आता है कि ये ले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लगभग 11:30 का टाइम हो रहा है, तो आज के सीन्स हैं कुछ ऐसे कैसे जैसे रोज होते। गाड़ियां आपको दोनों दिख रही हैं। हाँ, आज जिप्सी क्या है, मैंने थोड़ी सी अंदर करके लगा दी, नहीं तो ये यहाँ पे लगी होती है बाहर। और ये देखिए हमारी बांग की खेती ऑन डिमांड। कल जब मैंने जिप्सी चलाई ना तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया, तो इसलिए आज गर्मी है बट स्टिल आई वांट टू हसल, मैं इसलिए जिप्सी ही लेके जाऊंगा। एक तो ये डोरी पैर में फंस जाती है, और यार बदतमीजी की भी ना कोई सीमा होती है, ये देख रहे हो आप। कोई मेरे साथ शरारत तो नहीं कर रहा है, मेरे टायर जान करके तो नहीं पंचर कर रहा है, मतलब ये कैसे पंचर हो सकता है। और ये मेरे को लग रहा है ज़्यादा भी बैठा हुआ है, कल वो वाला उतना ज़्यादा नहीं बैठा था, ये ज़्यादा बैठा हुआ है। तो पहले निकालते हैं इसे बाहर और देखते हैं कि भाई क्या स्टेटस है। अरे जिप्सी, तेरी तारीफ क्या की, तूने दुखी करना शुरू कर दिया मेरे को। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे हवा वाली जगह ले जाऊं या टायर चेंज करूं। चेंज नहीं होता यार मेरे से, बड़ा हसल है। आज मूड तो बड़ा था लेकिन वहां तक जाने में ये टायर फट जाएगा क्योंकि ये काफी हवा कम है। क्या है कि कल सुबह जा शाम को जल्दी आके इसका टायर बदलूंगा। सारा मूड खराब हो गया यार। चलो, एक पार्सल आया हुआ है। पार्सल वालों के भी अलग ही वो रहते हैं कि शाम को आएंगे ये वो, फिर मेरे को अभी जाना है, फिर शाम को मैं घर पे नहीं होता हूँ। सोच रहा हूँ अभी वो पार्सल उठा ही लेता हूँ जहाँ पे वो उनका है। आई थिंक यही है सामने वाला। क्या मसला है, पसीना देखो कितना ज्यादा हो गया। तो कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स थे, उन्होंने गलत नंबर डाल दिया एड्रेस पे। जो मेरा एड्रेस रहता है वो मेरे मामा जी के घर का रहता है, वो वहाँ एड्रेस पे पहुँच के नंबर पे कॉल करें तो वो नंबर गलत लगे, तो इतना क्योस मचा। ये पीछे है जो पार्सल पड़े हुए और गर्मी से हाल जो बुरा हो चुका है। एसी में अभी थोड़ी देर बैठे तो क्या है, सांस वांस आई थोड़ी सी। तो अब बात करते हैं आज के मुद्दे की, जो मेन टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो मैं सोच के दिमाग में निकला, जो हमारी नई गाड़ी की शुरुआत है ऑफिशियली। तो मैंने पहले तो कहा था बट अब क्या है कि मैं सीरियसली एक नई गाड़ी जो है वो ढूंढने लगा हूं, बिकॉज आपको पता ही है कि गाड़ी ढूंढने जाओ तो ऐसा नहीं है कि आप बस गए और देखी और गाड़ी ले ली, उसमें टाइम लगता है। कहीं ना कहीं वो ठीक है, आप लोगों को भी मजा आता है, हम भी रोज नई नई गाड़ियां देखते हैं, हमें ही मजा आता है। तो अब जैसे देखो मेरे पास ऑलरेडी 2 गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां हैं जो वो ऑफ रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। कॉल आ गया, कॉल अटेंड कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक बड़ी सेगमेंट में भी जाना चाह रहा हूँ, एसयूवी में लेना चाह रहा हूँ। 4x4 तो वो ऑब्वियस ही बात है कि वो रहेगी। लिस्ट में ना 2-4 गाड़ियां आ जाती है, जैसे स्कॉर्पियो 4x4 आ जाती है, फॉर्च्यूनर टाइप 1 है वो 4x4 आ जाती है। पहले मैंने थार और गुरखा के बारे में भी सोचा बट मेरे पर्पस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, फिर वो कहीं ना कहीं इकलौती 2 बंदों वाली गाड़ी ही रह जाती है। मेरे दिमाग में जो चीज है वैसे वो पूरा नहीं हो पाएगा। बाकी सब सही रहा तो नहीं भी ले ही लेंगे, पर जारो आ जाती है 4x4 इसमें, एंडेवर भी पुराने वाली। तो गाड़ियां ढूंढना शुरू करते हैं, देखते रहो, अपना प्यार बनाए रखो और जो भी होगा जैसे भी होगा वो आपको पता तो चलता ही जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज की कहानी कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी भी गंदी है तो बाहर बाहर से ही वॉश करवा लेते हैं। कितना सोखा हो गया हूँ मैं, गाड़ी के अंदर बैठा हूँ एसी लगा के। आदतें खराब नहीं होनी चाहिए आदमी की। और बाहर पहुंचे तो इधर साहब का भी पार्सल आया हुआ है, मतलब हमारा तो पार्सलों पे ही काम अटका हुआ है। चीजें हमारी ऐसी होती जो हमें ऑनलाइन ही मिलेंगी, ऑफलाइन तो मार्केट में मुश्किल है, तो इसमें पता नहीं क्या है। और यहाँ किसी नई गाड़ी की डिलीवरी हो रही है, काफी कट रहा है इधर। तो आईफोन का फायदा तो है वैसे, 2 घंटे वेट करने के बाद। 2 घंटे और शे भाई आराम से झूठी। अब आर यू फीलिंग वेल टुडे? ठीक है, अभी ओआरएस पीऊंगा थोड़ा ठीक हो जाऊंगा। शरीर में पानी कम हो गया क्या? पानी कम हो गया, सब कम हो गया। बट प्लान टुडे भाई, व्हाट इज, यानी क्या क्या है, एंड सम इज, यानी सब कुछ है। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट कैमरामैन। थोड़ा बीमार था, अभी भी बीमार ही है बट तरुण भाई और मेरे को मिलना जरूरी है ना। अभी हम कहाँ जा रहे हैं तरुण भाई? आज देखो मेरी ये मूवमेंट स्लो है वरना ऐसे होती थी, ऐसे देख रहे हो। बीमारी का क्या क्या करना, एक्चुअली क्या हम ना ये जो कार बाजार है इनके पास गाड़ी देखने जा रहे हैं, फॉर्च्यूनर। वैसे कार बाजार से तो मुश्किल ही है मिलना। मिल जाएगी तन भाई, मैंने देख के रखी है, कैमरा बहुत पास रखा है मैंने देख के रखी तन भाई। और मैं क्या मिल रहा भाई, मैं आपको ठीक है, आप माना सुंदर भी हो, लेकिन जो मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ भाई ऐसे ऐसे वो देखो, डू यू सी फॉर्च्यूनर? Yes. अब इसके पीछे ले जाओ, फिर हम देखेंगे इज इट 4x4 और 4x2। कुछ 4x4 का नकली स्टिकर भी लगा ले। क्या कहना चाहते हो उन लोगों के लिए?
नहीं वो तो फील लेते हैं, लेकिन बड़ी एसयूवी 4x2 तो ऑटोमेटिक मिल जाए तो और मजा, 4x4 ऑटोमेटिक। हमारी लिस्ट की जो पहली गाड़ी है वो आप सामने देख रहे हो हमारे, तो ये है फॉर्च्यूनर 2012 मॉडल है, ये टाइप 1 ही होने वाली है। ये गाड़ी अच्छी दिख रही है, कलर सिल्वर है, के अलॉयज व्लॉयज सब स्टॉक ही है, ओरिजिनल पेंट मिल जाएगा। पीछे वाली साइड ये भी लगा हुआ है एक, देख रहे हो आप फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव रहती है ये गाड़ी। और 3.0 इसमें छोटा दूसरा इंजन आता है, नहीं आता। टेल लाइट्स भी इसकी अच्छी लग रही है मुझे ये वाली, और अंदर से भी एक बार देख लेते हैं, मतलब फील तो है गाड़ी में, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो कुछ ऐसा अंदर बैठ के मतलब लग्जरी फील आता है, जो अंदर का है वो सारा लगभग स्टॉक ही है। 117 जेन्युइन फुल कंपनी सर्विस रिकॉर्ड, और ये मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक नहीं। बैक कैमरा इंस्टॉल मिलेगा आपको इसी में, बिल्कुल। पीछे से भी आप सीट वीट देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आती है, बिल्कुल उस साइड वाली नहीं है, तो इसमें ड्राइवर वाली इलेक्ट्रॉनिक आती है, अच्छी कंडीशन है। स्टार्ट करो, चेक लाइट है कोई, इसको न्यूट्रल करो वहाँ से, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है सारा। हैंड ब्रेक नीचे करो, ठीक है अभी तक तो ठीक है। एसी वेसी हमने चेक करा है तो वो भी बिल्कुल प्रॉपर कूलिंग कर रहा है, इंजन लाइट किसी भी तरह की नहीं है। चलो सारा लग गया, मतलब काफी स्मूथली लगा ये ना। चलो जी अब एक बार बोनेट भी खोल के देख लेते हैं, फिल्टर काफी बड़ा है इसका 6 लीटर इंजन के साथ। और पीछे वाली साइड भी आपको दिखा देते हैं, सीट्स वीट्स ठीक हैं। एंड तो चलो भाई अभी कुछ इंजन की आवाज़ वगैरह करके बता रहे हैं। ओके अच्छा, इसको ये लगती सीधी और ये टेढ़ी भी हो जाएंगी, वो नई वाली में जैसे होता है। ओके स्पोर्ट स्पेस भी काफ़ी है इसमें, जगह तो गाड़ी देख कर आ चुके हैं, अभी दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ पे 2-3 फॉर्च्यूनर है, कहाँ कैसी डील मिल रही है डिपेंड करता है। ये क्या किया शोएब भाई, शोएब भाई सारी बातें छोड़ो, ये खरीदते हैं नहीं था फॉर्च्यूनर कैंसल, ये खरीदेंगे हम, ठीक है बिल्कुल। ये अच्छे टायरों के साथ है, ये है ये उसके साथ, एक ही है फॉर्च्यूनर, ये भी जम्मू की है ओरिजिनल है। दो फॉर्च्यूनर है, वो वाली सस्ते में मिलेगी, ये वाली महंगी। चलो अभी दो फॉर्च्यूनर है, देखते हैं बात करते हैं पता चलेगा। अभी हमने उतर के पूछा, लेकिन दोनों गाड़ियां जो हैं वो 4x2 हैं, तो हमारा प्लान जो है यहीं पे कैंसिल हो गया, क्योंकि अपने को गाड़ी चाहिए 4x4। इधर ऊपर भी है पता है आपको, ये भी बोल दो कि मतलब किसी के पास अगर 4x4 है और वो सेल करना चाहता है तो ईमेल कर सकता है तुम्हें। अभी एक और इधर भी है, वहाँ भी जा रहे हैं, देखते हैं बात बनती है नहीं बनती है। प्लानिंग टू बाय रेंज रोवर, कार बाजार में ना एक रेंज रोवर लगी हुई है, कह रहे हैं रेंज रोवर ही ले लेते हैं। अब तरुण भाई रेंज रोवर ही लेंगे, यार मेरी बात सुनो, रेंज रोवर तो चलो लग पाता है, फॉर्च्यूनर तो लगी नहीं है इधर, यहाँ पे फॉर्च्यूनर तो कोई है नहीं, एक ये एंडेवर लगी हुई है, लेकिन ये भी 4x2 है तो कोई पॉइंट नहीं है, तो चलो निकलते हैं अब इधर से भी। फिलहाल फॉर्च्यूनर हमने एक और देख ली है, मतलब देखने में अच्छी लग रही है मुझे, और टाइप 1 है। चलिए अभी सारा इसका डिटेल देखते हैं और फिर बताते हैं आपको। तो एक्चुअली जो हम पहले देख कर आए वो टाइप 2 थी और ये टाइप 1 है, तो इसमें जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है एंड बाकी सारी चीज़ें तो बेसिक है ही है। 4x4 स्मूथली लग रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। तो जी एक फॉर्च्यूनर और देखी थी, लेकिन ये सीढ़ियाँ पहले उतरू मैं तो तब है ना, मैं कोई मिला नहीं, एक फॉर्च्यूनर वहाँ खड़ी थी, अब यहाँ क्या पता वो बिकने के लिए है नहीं है, तो ऐसे ही पूछने आगे, पर हमें कोई उसका पता ठिकाना चला भी नहीं। जो गाड़ी इस तरह से हो ना दिखने में, उस पर कॉन्फिडेंस भी आता है कि ये ले। ऐसे ही घूम रहे थे और यहाँ देखिए, हाँ जी हाँ भाई क्या ठीक हो, मिलते नहीं हो आजकल, वो पीछे भी है इनके साथ। ओ मनप्रीत भाई क्या चल रहा है, फिलहाल क्या है कि फॉर्च्यूनर तो हमने देखी 2-3 जगह तो अब हम काफी थक गए हैं, तो अभी रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर रेस्ट के बाद मिलते हैं। सना शोभी भाई भाई भी बीमार है भाई, बुरी नजर वाले क्यों कर रहे हैं सब, जा रहे हैं घर वापस। जी फाइनली घर पहुंच चुके हैं वापस, और बस आज के दिन के लिए इतना ही है, फॉर्च्यूनर वॉर्चुनर में देखी है, तो कल कोशिश करते हैं कुछ नई गाड़ियां भी देखते हैं, और बस यही है। तो फिलहाल आज की वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।